लोगो क्लास वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक नए लेक्चर में एक नए मेथड का डिस्कशन करना है मुझे डेप्रिसिएशन के। बेटा बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ो, 12th में काम आएगा, मैं एडवांस में बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। तो बेटा हम बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, पूरी जान लगाकर चलेंगे इसमें। बाबू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। इक्का दुक्का बात उसको समझ नहीं आएगी जिसको यही नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा उसको भी बीच में अगर ले पाया तो उस टॉपिक को भी उठा पाया, पर बेटा इक्का दुक्का बात उसको समझ नहीं आएगी। फिर ये तो पिटाई आने वाली बेटे बहुत ज्यादा, तो बहुत आवाम है बेटा। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन के दो मेथड पढ़े, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बेटा इन्हीं दोनों मेथड में ना फर्दर दो मेथड होते हैं, गर्जी सामने देख लो। इन्हीं दोनों मेथड में ना फर्दर दो मेथड होते हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, When provision for depreciation account is not maintained, और बेटा एक मेथड होता है when provision for depreciation account is maintained। लो जी सुनते हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे ना बेटा, शुरू में मैंने SLM के 8 क्वेश्चन करे, WDV के 8 क्वेश्चन करे, वो इन दोनों मेथड में हमने ये वाली बात पढ़ी। बेटा कहते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, और क्या मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा था? नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट बना रहा था, मशीन अकाउंट बना रहा था। तो यानी कि बेटा अभी तक जो मैं कर रहा था ना 16 क्वेश्चन मैंने यहां से करे, आज से क्या हो रहा है बेटा, आज से क्या होगा आपको बताएगा कि SLM मेथड से क्वेश्चन करना है या WDV से। साथ में आपको ये भी कहेगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। बेटा तब क्या होगा जब ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि अब दो अकाउंट बनेंगे, एक तो मशीन का अकाउंट बनेगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। बेटा क्या होगा जब ये अकाउंट बनने शुरू होगा, मैं बताता हूँ बेटा, कुछ खास अंतर नहीं है। अच्छा क्या बताओ, डेप्रिसिएशन की यहां पे एंट्री क्या करते थे, फटाफट से बताना, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते थे यहां पे? डेप टू मशीनरी, मतलब डेप टू एसेट्स, यही करते थे एंट्री। इतनी जर्नल एंट्री तो पता ही होगी, लक्ष्य भाई कुछ कुछ आता है, ये आता है। तो बाबू एंट्री क्या करते थे हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यहां पे यही करते थे एंट्री। अब बेटा ये एंट्री ना यहां बदल जाएगी। देखो दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, वो आज भी डेबिट होते हैं, एंट्री में क्या होगा, आज भी डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, वो आज भी डेबिट होते हैं, बस यहां पर अब एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, हम ये एंट्री करेंगे, ठीक है जी। बेटा क्या है इन दोनों मेथड में बेसिक फर्क, मैं बताता हूं बेटा। यहां ना हम डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करते जाएंगे जब तक मशीन बिकी नहीं, उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ये समझ लो एक अलग बक्सा है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले साल का डेप लगा 50,000, अभी तक मैं क्या करता था, मशीन अकाउंट बनाता था, मशीन में 50,000 रुपये घटा के बैलेंस निकाल देता था। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या कर रहा हूँ, डेप को 50,000 रुपये अलग बक्से में इकट्ठा कर रहा हूँ, दूसरे साल फिर डेप लगा फिर इकट्ठा कर रहा हूँ, तीसरे साल फिर डेप लगा फिर इकट्ठा कर रहा हूँ, चौथे साल फिर डेप लगा फिर इकट्ठा कर रहा हूँ, पांचवे साल मशीन बिक गई। जिस साल मशीन बिकी, जिस दिन मशीन बिकी, उस दिन प्रोविजन फॉर डेप से सारा डेप्रिसिएशन उठा के ला रहा हूँ मशीन अकाउंट में, फिर निकाल रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आंसर में कोई फर्क आता है? कुछ फर्क नहीं आता आंसर में बेटा। ये पूरा सिस्टम दो एंट्री पे टिका है, जब तक डैप लगाते जाओगे प्रोविजन फॉर डैप में एंट्री क्या बनेगी, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, और बेटा जिस दिन मशीन बिके उस दिन एंट्री कर देना प्रोविजन फॉर डैप टू मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
बेटा ये सिस्टम दो एंट्री पर टिका है, डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, जब तक डेप्रिसिएशन लगाओ तो एंट्री ये करते जाओ, और जिस दिन मशीन बिके उस दिन एंट्री कर दो प्रोविजन फॉर डेप टू मशीनरी अकाउंट। देखो ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चन के साथ ही आ सकती है, इसलिए मैं विदाउट अ फर्दर डिले के एग्जाम्पल लिखता हूँ और करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है जी। सब सामने देखेंगे, आज का टारगेट दो एग्जाम्पल है, बड़े बड़े एग्जाम्पल, ठीक है। बुक से कोई क्वेश्चन नहीं होगा आज, आज दोनों एग्जाम्पल मेरे होंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी, परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1st of April 15 को, कुछ भी समझ लो, 8 लाख। कंपनी चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड प्रिपेयर, या कंपनी सोल्ड मशीनरी ऑन लो जी सामने देखना बेटा, मैं चुप नहीं कराने के मूड में बैठा आज किसी को, सच बता रहा। कुछ वजहें ऐसी हो जाती है कि बंदे का दिमाग वैसे ही खराब रहता है, ठीक है ना। ऐसा ना हो बेटा आज किसी चीज का गुस्सा किसी और चीज पे निकल जाए, बिल्कुल चुप बैठना, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ ये बात आपको, ठीक है जी। एक तो बेटा आप छुट्टियां कर करके ना, जो मेरा पारा हाई करता है वो अलग लेवल पे चला जाता है। सब सामने देख रहे हैं, कहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2015 को 8 लाख रुपए की। कंपनी क्या करती है, 10% पर एनम डेप लगाती है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। कंपनी ने मशीनरी बेच दी 31 जुलाई 2018 को, कहता है आप मशीन अकाउंट बना दो। दोनों अलग अलग केस में, पहला केस वो जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट नहीं बना रहे हो आप, यानी कि सिंपल जो मशीन अकाउंट बनाते थे बिल्कुल पुराने वाला केस, और दूसरा केस वो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है जी। तो मैं पहले मेथड से भी कर देता हूँ, ये तो हमारा पुराना मेथड है बिल्कुल पका पकाया सा मेथड। दूसरा मेथड सबके लिए नया, जितने बैठे हैं बेटा सबके लिए नया, पहली बार कराने चाह, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले मैं पहले मेथड से करूंगा, ए पार्ट से। नंबर लाइन दोनों की सेम है, नंबर लाइन जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। बेटा 1 अप्रैल 15 सबसे पहले आएगा नंबर लाइन में, मशीन मेरी बिककर खत्म हो गई 31 जुलाई 2018 को, तो उसके बाद तो अकाउंट क्या ही होगा, ठीक है जी। सब जितने बीच में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुए सब लिखो, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18। जो बच्चे बिल्कुल छुट्टी पे थे उनको बिल्कुल नहीं बताओगा यार ये क्या हो रहा, ठीक है ना। मैं हमेशा बताता हूँ बिना डेप्रिसिएशन चैप्टर बिना नंबर लाइन के नहीं हो सकता, और अगर आप घर बैठ के एक वीडियो भी नहीं देख सकते जो आपके लिए अपलोड हो रही है, मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता, आपका कोई मदद नहीं कर सकता। बेटा पहले साल जब मैंने मशीन खरीदी कितने की थी, 8 लाख रुपए की थी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 80,000। अगले साल भी डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 80,000। स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमेशा डेप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता रहता है, स्ट्रेट लाइन वो मेथड है जिसमें डेप हमेशा मशीन के ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता रहता है, मतलब 8 लाख पे ही लगता रहेगा। कितना डेप है, 10%, 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10%, फिर 8 लाख का 10%, 3 साल डेप लग गया। चौथे साल मेरी मशीन कितनी इस्तेमाल हुई बेटा, 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई को बिकी ना, 4 महीने इस्तेमाल हुई। अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 80,000 है तो 4 महीने का कितना, अरे पॉइंट में जा रहा है, एक काम कर लेते हैं पॉइंट से बचने के लिए, इससे ना 30 जून कर लेते हैं, ऐसा ना हो मैं कैलकुलेशन तो कर दूं सब कुछ समझा भी दूं पर क्या हो कि जो काम की बात है वो तो रह गई, कैलकुलेशन समझ में आ गई। बेटा 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना, अगर पूरे साल का 80,000 है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन 20,000, ठीक है जी। नंबर लाइन बताओ, नंबर लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से दूर तक,
बेटा अब मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूं, मशीन अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट वही है बेटा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट में आप लिख लेना। 1 अप्रैल 15 मैंने मशीन खरीदी, एंट्री क्या की होगी पता ही है आप सबको, तो बैंक अकाउंट कितने की मशीन खरीदी, आयुष भाई सामने देख लो, 8 लाख रुपए की। बेटा नंबर लाइन पे देखो क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया, साल खत्म होते गए, डैप लगते चले गए, 31 मार्च 16 साल खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया, एंट्री हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, मैंने क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000 रुपए। ठीक है जी, बैलेंसिंग सबको करनी आती है, 1 साल खत्म हुआ बैलेंसिंग कर लेना, 31 मार्च 16 आपने बैलेंसिंग की होगी बाय बैलेंस करेक्ट डाउन, इस साइड का टोटल करा इन रफ, इस साइड का टोटल करा इन रफ, 8 लाख रुपए हाईएस्ट है दोनों तरफ लिखा, बैलेंस आ गया होगा 7,20,000। डन बेटा, 1 अप्रैल 16 बैलेंस किया ब्रॉट डाउन 7,20,000, इस साल भर में भी कुछ नहीं हुआ, साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन लग गया 80,000 का, फिर बैलेंस निकाला होगा आपने लास्ट डे पर ही बाय बैलेंस करेक्ट डाउन, और बेटा बैलेंस आया होगा 46,000। कोई बोलता ना दिख जाना बेटा, आज बुरा नहीं होगा मुझसे कोई, फिर बाबू फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 46,000, 31 मार्च 18 साल खत्म हो गया, डेप्रीसिएशन फिर लग गया 80,000 रुपए का, फिर बैलेंस निकाला साल के आखिरी दिन, ये टोटल आपने किया होगा, एक चार 18 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने, मुझे लग रहा है कंपनी सोल्ड मशीनरी ऑन 30 जून 18 फॉर कुछ भी समझ लो, ये फिगर है बेटा 4,25,000। बाबू इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, 3 महीने और चली मशीन और उसके बाद मशीन बेच दी गई 30 जून 18 को। बेटा 30 जून 18 को मशीन बेची तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया 3 महीने का 20,000, मेरी मशीन की वैल्यू कितनी बेटा, 1 अप्रैल 18 को मशीन कितने की थी 5,60, 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लग गया 20,000 रुपए, मेरी मशीन की वैल्यू कितनी 5,40, कहता है ये मशीन आपने कितने की बेच दी 4,25,000 रुपए की, 5,40,000 की मशीन मैंने 30 जून को बेच दी 4,25,000 की, जब मशीनरी बेची होगी क्या एंट्री हुई होगी आपको पता है, पैसा आया, पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, मैंने एंट्री क्या की होगी बेटा, मैंने एंट्री की होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, मशीनरी चली गई, मशीनरी एसेट हमेशा डेबिट होती है, जा रही है बिजनेस से क्रेडिट हो रही है, 5,40,000 की मशीन 4,25,000 में बेच दी, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा मैं इस नुकसान का नाम लिखता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,15,000, यही करता है एंट्री। तो बेटा मशीनरी अकाउंट मैं बना रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करोगे, मशीनरी अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का, सामने वाली साइडों के नाम लिख रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो, ऐसे ही बना रहा था मशीन अकाउंट पिछले 5-7-10 दिन से, जब से भी चैप्टर चल रहा है हमेशा यही कर रहा हूं, सर अब सब कुछ बदल जाएगा, अकाउंटिंग का तरीका बदल जाएगा, कैलकुलेशन सब वही है, कुछ नहीं बदला। ठीक है जी, आओ जी प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं। अच्छा अगर अब डैप लगाना हो, किसने कहा कि अब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करो, अच्छा जी अगर आपने कहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करो, तो बेटा मैं मेंटेन कर देता हूं, एक काम करते हैं नीचे बताते हैं,
नीचे ही बनाते हैं, उसकी एक वजह भी आपको पता चल जाएगा। किसने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर। तो बाबू अब बनने लगेंगे दो अकाउंट, एक मशीन का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे। पुत्र एंट्री क्या है बस ये बता दो, दो एंट्री पर टिकावा मेथड है, डैप लगाओगे एंट्री क्या करोगे, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, और जब मशीन बिकेगी तो क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डैप से सारा का सारा डैप उठाकर मशीन अकाउंट में लाओगे तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डैप टू मशीनरी। ठीक है, दो ही एंट्री होनी है बस, कुछ नहीं होना, दो एंट्री पे सब कुछ टिकाऊंगा। आगे बढ़ाए बात को, चलो जी अब मैं करने जा रहा हूँ ऑफिशियली ये मेथड, आराम से देखना। सर क्वेश्चन सेम है, 1/4/15 को आपने मशीन खरीदी, एंट्री क्या हुई होगी मशीन टू बैंक, मशीन अकाउंट में कहां पोस्ट करोगे, सबको आती है पोस्टिंग। ठीक है जी, 1/4/15 को मैंने मशीन खरीदी, पोस्टिंग कर दी बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब इस मेथड में ना नंबर लूटने का सबसे आसान तरीका है, राघव भाई कभी देखो कि सामने इस मेथड में ना नंबर लूटने का ना सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, सबसे पहले मशीन अकाउंट पे ही फोकस कर दो, सारा अकाउंट यही बना दो बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा मशीन जितने वैल्यू पे खरीदी होगी इस अकाउंट में तो डैप लगना ही है, इस मेथड में डैप की एंट्री क्या हो रही है, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, तो इस अकाउंट में तो लगना ही नहीं डैप। तो बेटा जितने की मशीन खरीदी, बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन, जब तक मशीन नहीं बिकी कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन करते जाओ। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर इस अकाउंट के हैं जो फ्री के हैं, ये भी ना लूट पाए तो पता नहीं क्या लूट होगी। तो बाबू 31 मार्च 2016 मैंने क्या किया, इसी बैलेंस को कर दिया कैरेट डाउन 8 लाख रुपी। ठीक है जी, और मैं आपको बता देता हूं बुक्स भी अलाउ करती हैं, शायद आपके टीचर भी अलाउ कर दें बेटा, बार बार ना अगर कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन सेम अमाउंट को करना हो तो बेटा जरूरी नहीं होता टोटल करना, ये जो तो दो डैश लगे हुए हैं इसका मतलब होता है 1 साल के अकाउंट खत्म होते हैं, अगर आपके टीचर अलाउ कर दें तो कर लेना ऐसा भी। 1/4/16 क्या होगा, सेम बैलेंस ब्रॉड डाउन 8 लाख रुपी। 31 मार्च को क्या होगा, जब साल खत्म हो गया सेम बैलेंस कैरेट डाउन 8 लाख रुपीज, साल खत्म 1/4/17 मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों अगर ये भी नंबर ना लूट पाए तो मुझे समझ नहीं आता तो नंबर लाओगे कैसे। फिर साल खत्म हो गया 31 मार्च 2018 आ गई, सेम बैलेंस कैरेट डाउन 8 लाख रुपी। 1/4/18 सेम बैलेंस ब्रॉड डाउन, अब आगे मत बढ़ना क्योंकि 30 जून 2018 को मेरी मशीन बिक गई है, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल मैं अकाउंट्स कहां से बना रहा हूं, 1/4/18 से कहां तक बनेंगे, 31 मार्च 2019, 30 जून को ही बिक गई ना 3 महीने के बाद। अब रुक जाओ, दिख रहा है बेटा फ्री के नंबर, अभी तक तो कोई मेहनत नहीं करी इस अकाउंट में, जिस रेट पे करी थी वही कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी बेटा साल खत्म हुआ, साल खत्म हुआ डेप्रिसिएशन लगाया, एंट्री बताओ फटाफट से, मैंने भी एंट्री 2-3 बार बोल चुका, एंट्री क्या हुई, डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, इस मेथड में एंट्री ही होती है डेप की, डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप। तो बेटा जर्नल एंट्री में प्रोविजन फॉर डेप किस साइड दिख रहा है, ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम किसका आया होगा सामने वाली साइड का, सामने क्या लिखा है डैप अकाउंट डेबिट, तो मैं लिखा होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इधर देखना डैप कब लगता है बेटा, आखिरी डेट पर 31 मार्च 2016 को, अगर कुछ याद ना रहे तो नंबर 9 की तरफ देख लेना बेटा अच्छे से, डैप कब लगा होगा 31 मार्च 2016, ये 31 मार्च 2016 को एंट्री हुई है ना। तो बेटा मेरी जर्नल एंट्री में प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, यही होती है ना राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, नाम मैंने सामने वाली साइड का लिखा, सामने लिखा था बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो बेटा मैंने वर्ड लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप लगा बेटा 80,000,
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इत्तफाक से भाई राघव भाई सामने देख लो, या तो आप समझा लो आके, नहीं तो आप सामने देख लो बेटा, इत्तफाक से ये जो डेट है ये साल खत्म होने की भी डेट है, और जब साल खत्म होता है क्या होता है, या तो बैलेंस कैरेट डाउन या ब्रॉट डाउन होता है। आओ जी देखते हैं बेटा, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। मैंने दोनों साइड का टोटल करा इन रफ, इस साइड का टोटल जीरो, इस साइड का 80,000, जो हाईएस्ट है वो दोनों तरफ चिपका दिया बेटा, ज्यादा क्या इन दोनों में 80,000 चिपका दिया, बैलेंस निकाल दो, आज ही आखिरी दिन है बेटा, आज ही बैलेंस निकलेगा। ओ सॉरी, तो ये जो बाय के नाम से बैलेंस निकालने की आदत थी ना, ये आपको भी दिक्कत देगा, थोड़े दिन दिक्कत रहेगी। इस तरह भी बाय लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमेशा बाय बैलेंस ही नहीं लिखा है इतने दिनों में। निकाल दिया जी बैलेंस बेटा, इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दो अगले साल के पहले दिन, 1,416 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं। क्या कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहा हूं इस अकाउंट में, और कुछ नहीं कर रहा, वहां ही डैप लगा रहा, यहां इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है जी, और आपको दिखेगा इकट्ठा होता हुआ। बाबू अगला साल खत्म हो गया, साल खत्म होते ही एंट्री क्या हुई होगी, डैप लगाने की, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, अगेन प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम किसका आया होगा, सामने वाली साइड का, मैंने डैप फिर इकट्ठा कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इत्तफाक से अगेन आज साल खत्म हो गया, बैलेंस निकालो बेटा, इस साइड का टोटल 1,60,000, उस साइड का जीरो, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, मैंने बैलेंस निकाल दिया 31/17 को, बैलेंस टू बैलेंस कैरेड डाउन 1,60,000 का बैलेंस आ गया। सेम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना मत भूलना अगले साल के पहले दिन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 1,60,000, फिर क्या हुआ, फिर साल खत्म हो गया। ये चीजें आप नंबर लाइन पे देख रहे हो, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गया, 30 जून को 18 को मशीन लिखी है, ठीक है जी, आपने नंबर लाइन पे देखा फिर साल खत्म हो गया, 31/18 फिट डैप की वही एंट्री, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, ठीक है बाबू, आज ही साल खत्म होने का डेट है तो बेटा आज फिर बैलेंस निकाल दो, 31/2018 टू बैलेंस कैरेड डाउन, कितना डेप्रिसिएशन हो गया बेटा इकट्ठा होते होते, 2,40,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया बेटा, देख रहे डैप इकट्ठा कर रहा हूं, 3 साल का डैप इकट्ठा हो गया, CSC, उस अकाउंट में माइनस नहीं कर रहा, मशीन अकाउंट में यहां इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है जी बाबू, 1,418 फिर ब्रॉट डाउन कर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ब्रॉट डाउन हुआ, 2,40। अब सुनो जी अगेन, ये वो साल आ गया जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 की, लेकिन 30 जून 2018 को मेरी मशीन बिक गई, तो 30 जून तक का तो डैप लगे, जब 30 जून को डैप लगा होगा एंट्री क्या हुई होगी, फटाफट से बताओ, अगेन एंट्री तो वही है, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया, ये डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 20,000 रुपए लग गया डैप। बबो आज मेरी एसेट बिक गई या नहीं बिक गई, फटाफट से बताओ, बिक गई, जिस दिन एसेट बिक जाती है उस दिन एंट्री क्या करते हो, फटाफट बताओ, अबे भैया अभी तो बताई थी, दो ही तो एंट्री है, जिस दिन एसेट बिक जाती है एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही करते हो एंट्री। अब बेटा जिस दिन मशीन बिक जाएगी सारा डैप इकट्ठा करना, उसको मशीन अकाउंट में ले जाना, मतलब ये होता है इसका, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का, सामने का लिखा टू मशीन अकाउंट लिख दो, प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम आएगा सामने वाली साइड का, सामने वाली साइड का नाम लिख दो बेटा, टू मशीन अकाउंट, जिस दिन मशीन बिकी सारा डैप इकट्ठा करो प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से, उठाकर ले जाओ, कर दो सारा डैप इकट्ठा, कितना हो गया डैप इकट्ठा हो गया, 2,60,000, सारा का सारा डेप्रिसिएशन उठाकर ले जाओ मशीन अकाउंट में, अकाउंट बंद, पूरे के पूरे 2,60,000 उठाकर ले गया मशीन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये अकाउंट बंद खत्म हो गया, जाएगा डैप अब मशीन अकाउंट में, सर इधर देखना क्या इसका तो नाम लिखा हुआ था ना,
प्रोविजन फॉर डेप का नाम लिखा हुआ था तो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में लिख गया। क्या जर्नल एंट्री में मशीन का भी नाम लिखा है? रौनक एक मिनट रुक जाओ, सब खराब हो जाएगा इतनी मेहनत का। क्या बेटा इस अकाउंट के, क्या इस जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट का भी नाम लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा? ये लिखा नहीं हुआ मशीन अकाउंट, लिखा हुआ जर्नल एंट्री में। क्या मशीन अकाउंट में भी जाएगा ये? बिल्कुल जाएगा, अगर मशीन का नाम लिखा मशीन अकाउंट में जाएगा। जाएगा मशीन इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। सामने क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। सर 30 जून 2018 मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड पर था, पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर होगी, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया मैंने बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। और कितना डेप इकट्ठा हो गया आ रहा है? 260,000। ठीक है जी बेटा, आज मेरी मशीन कितने की रह गई? अब सोचो 8 लाख की मशीन थी, आज तक का डैप लग गया 260,000, यानी कि मेरी मशीन कितने की बची? 5,40,000। अब सर पिछले मेथड में और उस मेथड में यही फर्क है। ये क्या करता था? हर साल का डैप हर साल माइनस करा देता था। 560 की मशीन थी, 20 का डैप और लग गया इस साल, माइनस कर दो कितना आ गया? 540। इसने 540 ऐसे निकलवाया। इसने क्या करा? इसने डैप इकट्ठा कर, ये कहता है 8 की मशीन है, आज तक का टोटल डैप 260,000 है, अब मशीन कितने की बची है? 540 की बची, उसमें भी 540, इसमें भी 540। वो तरीका बदल, क्या कहता है? कहता है बिक गई आज मशीन, बिक गई एंट्री भैया, 4,25,000 में बेच दी 540 की चीज, यानी कि 1,15,000 का लॉस हुआ। और लॉस का नाम क्या लिखेंगे सबको पता ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? कुछ खासा बदला? मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चे, आंखें बंद करो, पहले मशीन अकाउंट बनाना शुरू करो, जितने की खरीदी बैलेंस सीडी बीडी करते रहो जब तक मशीन ना बिके, ठीक है जी। फिर प्रोविजन पर डैप अकाउंट बनाना शुरू करो, हर आखिरी डेट पे डैप लगाओ, बैलेंस सीडी बीडी वो भी करते रहो, जिस दिन मशीन बिके सारा डैप उठा के ले जाओ मशीन अकाउंट पे। मैं एक नई बात सिखा रहा हूं, हाइयर लेवल ऑफ थिंग सिखा रहा हूं बेटा। मैं 12th में रोना नहीं चाहता, ना मैं चाहता अब रो, इसलिए ना बेटा कि मैं बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूं। अब प्लीज इस बात को सुन बेटा, 12th क्लास में ना, जैसे मैं आज जर्नल एंट्री लिख लिख के समझाता हूँ ना, हम जर्नल एंट्री लिखना बंद कर देते हैं, डायरेक्टली लेज़र बनाते हैं। अब बच्चे के बाद कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, डायरेक्ट लेज़र बिना जर्नल एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में लेज़र बनाया नहीं, डायरेक्ट कोई जर्नल एंट्री करी अभी? तो फिर भी लिख दी ना एक आधी जगह, वो भी नहीं लिखते हम, इतने मास्टर हो जाते हैं। अब मैं एक बात समझाने जा रहा हूँ, आराम से सुन। अभी आपने एक एंट्री देखी थी मेरे साथ साथ, प्रोविजन फॉर डेप टू मशीनरी, है ना? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में भी गई क्योंकि जर्नल एंट्री में इसका नाम था, और मशीनरी अकाउंट में भी गई क्योंकि इसका नाम था, दोनों अकाउंट में गई ना। चलो मैं तो एक चीज में भी मास्टर करता हूं बबू, इस चीज में तो मैं मास्टर करता हूं, कैसे मास्टरी करी जाती है ये भी समझाता हूं बेटा। अगर प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में बना रहा हूं और उसमें नाम आ गया मशीनरी अकाउंट का, जैसे कि आ गया ना मशीनरी अकाउंट का नाम, अब ध्यान रख लेना है बात, अगर मशीनरी अकाउंट का नाम आया है क्या ये मशीन अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा। अब सुनना मैं कुछ बातें बोलूंगा, जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाए, ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही है ना, जब भी कोई चीज मशीन अकाउंट का नाम आया मशीन अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, आप सबने बोला। जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी, ध्यान रख लेना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की दो शर्तें होती हैं, चाहे तो जर्नल एंट्री सोच लो चाहे जर्नल एंट्री मत सोचो, मैं बिना जर्नल एंट्री के सोचवाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी हमेशा दो शर्तों पे जाएगी। क्या है वो दो शर्तें? सबसे पहली शर्त बेटा, साइड बदल दो। ये कहां पर लिखा हुआ है? टू साइड में लिखा हुआ है ना, कहां ले जाओ उसको उठाकर लेके जाके बाय साइड में ले जाओ। दूसरी शर्त बेटा, मशीन का नाम नहीं आएगा मशीन अकाउंट में, नाम किसका आएगा? फिर नाम आएगा अकाउंट का, ठीक है जी। सुन लो, जब भी कोई चीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी दो शर्तों के साथ जाएगी, सबसे पहले साइड बदलो, साइड बदल दो। ये कहां लिखा हुआ है?
टू साइड, जब मशीन अकाउंट में जाएगा किस साइड जाएगा, बाय साइड जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, इसका नाम नहीं आएगा, मशीन अकाउंट में मशीन का नाम नहीं आता, किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम आता है। लल्लू लालो अगर तुम किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम लिख देते हो, हमेशा किसका नाम आएगा बेटा, अकाउंट का नाम आएगा, यानी कि आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेट। और ये देखना आपने क्या लिखा, बाय प्रोविजन फॉर डेट 260,000। जर्नल एंट्री से भी बाय डिफॉल्ट वही बैठता है, लेकिन लेजर से लेजर ट्रांसफर करना सीखो अब आप। अच्छा जर्नल एंट्री कर रहे थे तो क्या करते, मशीन इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिख दो, यानी कि लिख दो बाय प्रोविजन फॉर डेट। जर्नल एंट्री से भी वही हुआ, मैं आपको लेजर टू लेजर ट्रांसफर सिखा रहा हूं, छोड़ दो जर्नल एंट्री को बेटा, एक लेजर से दूसरे लेजर में अगर कोई चीज ट्रांसफर करनी हो कर देना, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिख दो। दो शर्तें हैं, दिखाऊंगा 12th की वीडियो में भी बोला, पहली रिविजनरी वीडियो थी, 12th का कोर्स खत्म हो गया, बताया था ना बोर्ड का, बोर्ड तक का कोर्स खत्म हो गया, 12th का रिविजन शुरू हो गया, 30 सितंबर से पहले खत्म कर दिया था, 26 सितंबर को खत्म कर दिया था, 5 महीने 26 दिन में 12 महीने का कोर्स खत्म कर दिया। अभी तो हम बैच पौना पौना घंटा पढ़ाते हैं, गलती से एक घंटा बढ़ा देंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे भैया। वो बात समझ में आती है क्या, ठीक है नहीं, मेथड समझ में आया। अच्छा सेम मेथड WDV में भी आ सकता है, ठीक है जी। अब मेरे पास 10 मिनट है, मैं 10 ही मिनट में ये क्वेश्चन कर रहा हूं, आप सब सामने ही देख रहे हैं दोबारा बेटा, सब सामने देख रहे हैं दोबारा, बिल्कुल फोकस के साथ, कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं और WDV के हिसाब से करूंगा क्वेश्चन। बस 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 सामने देखो बेटा, मैंने 2-3 चेंजेस कर दिया, आप सब सामने देखेंगे, सब 10 मिनट है, 10 मिनट में मेथड खत्म कर। बाबू एक कंपनी ने 1/4/15 को 4 लाख की एसेट खरीदी, मशीनरी खरीदी बेटा, 31/8/2018 को ये मशीन बेच दी, और बेटा बेचने की वैल्यू रख लेते हैं हम 1,20,000 समझ लो, ठीक है जी। लेकिन इस बार 31/5/18 को बेची, दूसरी बार बेटा इस बार डैप लगता है 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। और बेटा दोनों केस वही है, व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन्ड। 4 लाख की मशीन खरीदी, पहले साल डैप कितना लगा होगा, 40,000, 4 लाख का 10%, मशीन कितने की बची, 4 लाख, फिर 40,000 डैप लगा, मशीन कितने की बची, 3,60,000। इस साल डैप कितना लगा होगा, सर ये मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें हमेशा डैप किस पे लगता है, ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है जी। इस पर डैप लगा 10%, ठीक है, 10 माइनस 10, अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची, डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है जी, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, यही बचा, ठीक है बेटा। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 2,91,600 पे 10%, लेकिन कितने महीनों का बेटा, 5 महीनों का, 5 महीने कैसे, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई और पूरा अगस्त, 5 महीनों का डेप्रिसिएशन, 5 महीनों का डेप्रिसिएशन कितना, फंस जाएंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना एक बार फटाफट से, छोड़ो बाबू छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं, 12,150 तुम्हारे, तुम कैलकुलेटर से ना कर पाए बेटा, मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया 12,150, ठीक है जी।
बेटा अब मैं पहले इस मेथड से और फिर इस मेथड से कर रहा हूं, सर मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास सब कुछ फॉर्मेट रेडी है, ठीक है सामने देखेंगे सब। मैंने मशीन खरीदी 4 लाख, मशीन खरीदी 4 लाख, साल खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन लगा 40,000, बैलेंस बचा 300। बेटा दूसरे साल लाख प्यार में रह जाता क्या हो गया तू बता दे। हाँ तीनों बेटा 3,60,000 का बैलेंस बचा, इस साल डैप लगा 36,000, बैलेंस बचा 3,24,000। अगेन बैलेंस बचा 3,24,000, डेप्रिसिएशन लगा 32,400, बैलेंस बचा 291,600। बेटा डेप्रिसिएशन लगा 31,800 को मैंने मशीन बेची, डेप्रिसिएशन लगा 12,150। ये सब मैंने नंबर लाइन से ही देखा। भैया मेरी मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 2018 को इतनी है, 31/5/2018 को 12,150 का डैप और लग गया, यानी कि अगर मैं सोचूं मेरी मशीन कितने की थी आज के दिन, तो मेरी मशीन थी बेटा 2,79,450 की। कहता है आपने ये मशीन 1,20,000 रुपए में बेच दी, यानी कि अगर 1,20,000 रुपए में बेच दी इतनी महंगी चीज, तो मैंने लॉस खा लिया 1,59,450 का। यही है पुराना मेथड, ठीक है जी। अब नया क्या है बेटा, नया बाबू प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन्ड वाला क्वेश्चन। अगेन इसमें भी बेटा कुछ खासा चेंज नहीं। सर ऐसे मेथड में सबसे पहले मैं कहता हूं सारे काम धंधे छोड़कर, ऐसे मेथड में सबसे पहले क्या करना है बेटा, मशीन अकाउंट बनाना। 4 लाख की खरीदी, यही बैलेंस सीडी है, अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही बैलेंस करेक्ट डाउन, फिर बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बेटा वही बैलेंस करेक्ट डाउन, सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्योंकि मैं 1/4/18 पर आ चुका हूं, 1/4/18 से 31/5/19 तक की सारी अकाउंटिंग इसी साल में होगी और इस साल में मशीन बिकी है, फिर बेटा आप आगे मत बढ़ना। 31 अगस्त 18 को सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से उठाकर लाओगे, जितने की बिकी वो लिखोगे, प्रॉफिट या लॉस लिखोगे, ठीक है। करा क्या भैया इस अकाउंट को बिना अगर लिख पाए तो फिर करोगे क्या, क्लियर है बात, बढ़ाए बात को आगे। क्या चेंजेस होंगे इस अकाउंट में बेटा, क्या चेंजेस होंगे इस अकाउंट में, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, सर 31/5/16 ही पहला साल खत्म हो गया, डैप लगाया, एंट्री हुई डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, इत्तफाक से यही बेटा साल खत्म होने की डेटा है, मैंने दोनों तरफ का टोटल करा, बैलेंस निकाल लिया बेटा, सेम बैलेंस अगले साल के पहले दिन ब्रॉट डाउन कर लिया, अगले साल डैप लगा ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू। जल्दी मत करना, नंबर लाइन बनाना, ठीक है बेटा, आज के दिन ही फिर बैलेंस निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट टोटल करा दोनों तरफ लिखा, बैलेंस करेक्ट डाउन, सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, फिर इस साल खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, दोनों साइड का टोटल करना इन रफ और डेप्रिसिएशन लगा देना, बैलेंस निकाल दिया, सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया बेटा। 31 अगस्त 2018 मेरी मशीन बिक गई बेटा, ये तो 1 अप्रैल 18 तक का डैप है,
31 अगस्त को भी तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाना, डेप्रिसिएशन लगाया 12,150। और क्योंकि आज मशीन बिक गई है, आज दूसरी एंट्री भी होगी, सारा टैप प्रोविजन पर डेप अकाउंट से मशीन अकाउंट में ले जाओ। एंट्री हुई प्रोविजन पर डेप टू मशीनरी, प्रोविजन पर डेप इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा और सारा डेप उठाकर लेके जा रहा। देखना कितना डेप हो गया ये बेटा, 550, 1,20,550 सारा डेप्रिसिएशन उठकर जा रहा है मशीन अकाउंट में। बेटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्त है, क्या करो? साइड बदल दो, ये टू साइड लिखा है, कहां ले जाओ? बाय साइड ले जाओ। नाम किसका लिखो? अकाउंट का, बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट 1,20,550, 1,20,550। सामने देखना, मिनी मशीन 4 लाख की थी, 1,20,550 का डेप लगा। 4 लाख की मशीन 1,20,550 का डेप लगा, यानी कि मेरी मशीन बची कितने की? 2,79,450। ये देखना बाबू, ये मेथड भी तो यही करवाता है, बस ये हर साल डेप लगवाता रहता है ना। मशीन तो तब भी उतने की बची थी, मशीन आज भी उतने की बची है। 2,79,450 की मशीन बिकी, बची, कहता है 20 में बेच दी, तो बेटा बाकी लॉस खा लिया। That's it. क्लियर जी बात? तो दिक्कत तो नहीं, दो एंट्री पर बेस पूरा मेथड है। बेटा कल आएंगे, बुक से क्वेश्चन शुरू करेंगे, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है अकाउंट्स का, रखता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।